Hello and once again a very warm welcome to everyone on Prince Civil Services YouTube channel. My name is Chitranshu Pandey and today we are going to continue our history quick revision series in which we are preparing for the upcoming UPSC examination history chapter wise. And right now we are in the chapter of Mughal Empire, which is one of the most important chapter of Indian medieval history. यहाँ पर हमने पिछले कुछ सेशन में अब तक अकबर तक के प्रश्नों को सॉल्व कर लिया था और अकबर तक के कई अलग अलग डायमेंशन को कवर करने की कोशिश की थी. आज के इस सेशन से जो आगे के सेशन रहेंगे वहाँ पर हम अकबर से आगे बढ़ते हुए अकबर के बाद जहांगीर, उसके बाद शाहजहां और औरंगजेब से जुड़े प्रश्नों को सॉल्व करेंगे. तो आज के सेशन में मोस्टली आपको क्वेश्चन जहांगीर के समय के देखने को मिलेंगे, कुछ क्वेश्चन जहांगीर के आगे के भी होंगे. तो जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे वैसे वैसे हम चीज़ों को समझते जाएंगे. चलिए बिना किसी देरी के अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन के साथ. और आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये है, एक सिंपल सा वन लाइनर फैक्चुअल क्वेश्चन आपको दिया गया है, जहां पर कहा गया है कि मुगल सम्राट जहांगीर, जहांगीर के बारे में आपको पता होना चाहिए, अकबर का सक्सेसर था और इसी का नाम क्या था, सलीम. जहांगीर ने निम्न में से किसे इंग्लिश खान की उपाधि दी थी. यहाँ पर एक टाइटल है, इसका टाइटल क्या है, इंग्लिश खान. और ये टाइटल किसी को मिला हुआ है इन चारों में से और वो दिया जहांगीर ने है. आपको बताना है उन चारों में से वो कौन था जिसे ये टाइटल दिया गया था. देखिए इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस का यूज करेंगे तब भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है और अगर आपको फैक्चुअली पता है तब भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है. इंग्लिश खान में रिप्रेजेंट कर रहा है इंग्लिश, राइट. और इंग्लिश कौन थे उस समय, जो इंग्लैंड से आए हुए लोग थे जो अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करते थे. तो यहाँ पर अगर आप तीनों चारों ऑप्शंस को देख लेंगे ध्यान से तो अल्बुकर्क पुर्तगाली है, ठीक है, अल्मीडा पुर्तगाली है और हेनरी द नेविगेटर डच है. तो एक ही ऑप्शन आपका क्या बच रहा है, विलियम हॉकिंस. तो अगर आपको आंसर सही से फैक्चुअली नहीं पता तब भी आप आंसर निकाल सकते हैं कि सी इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि एकमात्र इंग्लिश यहाँ पर कौन है, विलियम हॉकिंस. अब थोड़ा फैक्ट की बात कर लें तो जहांगीर का समय शासनकाल जो है एक महत्वपूर्ण शासनकाल है, क्योंकि यहाँ पर ही पुर्तगालियों के बाद भारत में ब्रिटिशर्स की एंट्री होती है और मेनली जो है पहली परमिशन जो है कह सकते हैं आप उनको मिलना शुरू होती है जहांगीर के समय. 1617 का समय है तब जहांगीर उनको अलाउ करता है किसको, थॉमस रो को, कि वो कुछ फैक्ट्री लगा सकता है, व्यापार कर सकता है भारत के साथ. तो इसी क्रम में थॉमस रो से पहले आए थे विलियम हॉकिंस और विलियम हॉकिंस के आने का समय लगभग 1608-09 के आसपास का है. 1608 में सूरत और 1609 में आगरा पहुंचते हैं और आगरा में जहांगीर के दरबार में पहुंचते हैं. तो इन्हीं से इम्प्रेस होकर के जहांगीर ने इन्हीं को क्या दिया था, इंग्लिश खां का टाइटल दिया. तो आप दोनों तरीके से आंसर को निकाल सकते थे, पहला तरीका एक कॉमन सेंस का यूज करते हो, सेकंड तरीका जो आपको फैक्चुअली पता है तो अभी आप आंसर कर पाएंगे. सही उत्तर इस प्रश्न का क्या होगा, सी, राइट. चलिए अगला प्रश्न देखते हैं. अगला प्रश्न ये विदेशी यात्रियों पर ही है, फॉरेन ट्रेवलर्स पर ही है और यहाँ पर आपसे कहा गया है कि निम्नलिखित विदेशी यात्रियों को उनके भारत आने के कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए. मतलब जो भी यात्री इन चारों में से पहले आया है उसको पहले लगाइए, जो बाद में आया है उसको बाद में लगाइए. इस तरह से एक क्रम बनेगा और आपको बताना है कि इन दिए गए चार कूटों में वो क्रम कौन सा, राइट. चलिए देख लेते हैं. विलियम हॉकिंस, अभी हमने चर्चा की थी 1508-09 के आसपास ही भारत आता है. वॉल्फ फिच, ये सबसे पहले आने वाला ब्रिटिशर है, 1608 है, 1608-09 ये है, 1584 के आसपास आगरा पहुंचता है. सर थॉमस रो 1516 के आसपास आते हैं जहांगीर दरबार में और निकोलस डाउनटन 1616 और 1614-15 क्या. तो ये एक क्रम लग रहा है, सबसे पहले कौन आ रहा है, राल फिच आ रहे हैं अकबर के दरबार में, उसके बाद कौन आ रहा है, उसके बाद आ रहे हैं आपके विलियम हॉकिंस, उसके बाद थॉमस रो निकोलस डाउनटन और फिर कौन आ रहा है, थॉमस रो. क्रम लगा लीजिए, पहले आपके रॉल फिच, फिर आ रहे हैं आपके कौन, विलियम हॉकिंस, फिर कौन आ रहे हैं, डाउनटन और फिर कौन आ रहे हैं, थॉमस रो. तो ये क्रम है इन चारों यात्रियों के आने का, 2, 1, 4 और 3. आप कूट देख लीजिए कौन सा कूट आपका सही लग रहा है इसमें से. तो 2, 1, 4, 3 पहला ही मैच कर रहा है तो आपका इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर, राइट. तो ए हो गया आपका इसका सही आंसर. चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं. एक बार फिर से क्वेश्चन का तरीका बिल्कुल सेम है, चार अलग अलग युद्ध दिए गए हैं, चारों युद्धों को अलग अलग समय है और उनको बताना है आपको कि इनको काल क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है. मतलब वही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, जो पहले आया है वो पहले युद्ध है वो पहले रखिए, जो बाद में हुआ वो बाद में रखिए और इस तरह से जो क्रम बनेगा उसका उसको सिलेक्ट करना है इन चारों में से. एक एक करके देखते हैं. सबसे पहले आता है आपका सरनाल का युद्ध,
करनाल का युद्ध बेसिकली अकबर के से रिलेटेड है, जो 1572 में जब अकबर गुजरात विजय के लिए गया हुआ था तब रास्ते में उसने युद्ध किया था करनाल का युद्ध। तो यहाँ पर इसका टाइम पीरियड है 1572। इसके बाद बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध आपको पता होना चाहिए, शेर शाह और हुमायूं के बीच हुआ था फाइनल वॉर, 1539-40 का हुआ युद्ध है, तो यहाँ पर इसका टाइम आपके सामने है। इसके बाद युद्ध है धर्मत का युद्ध, ये युद्ध बेसिकली आपका कब हुआ था, ये युद्ध हुआ था औरंगजेब और उसके भाई क्या नाम था दारा शिकोह के बीच 1658 में धर्मत का वॉर, ये थे शाहजहां के दोनों बेटे, ठीक है। इसके बाद जजाऊ का युद्ध, ये युद्ध हुआ था आपके औरंगजेब के उत्तराधिकार के लिए 1707-08 के आसपास, जब औरंगजेब के बेटे मुअज्जम और आजम, मुअज्जम वही है जो क्या कहलाया बहादुर शाह प्रथम, और आजम उसका दूसरा बेटा, दोनों के बीच युद्ध हुआ 1707 में। चारों का क्रम आपके सामने है, पहले कौन सा हो रहा है कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, फिर हो रहा है आपका आपका सरनाल का युद्ध, फिर हो रहा है धर्मत का युद्ध, और लास्ट में क्या हो रहा है जजाऊ का युद्ध। यहाँ पर 2, 1, 3 और 4 सही क्रम बन के आ रहा है, यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका 8, 2, 1, 3 एंड 4, राइट। तो आपका ए हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है जहाँ पर मुगल कालीन प्रशासनिक व्यवस्था जुड़ा हुआ प्रश्न है, जहाँ पर अलग अलग भूमि के प्रकार आपको दिए गए हैं और आपको सुमेलित करना है आपस में, मुगल काल में कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए तथ्यों के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सही कूट का चयन कीजिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या दिया गया है, जोत का औसत, भूमिहीन किसान और मजदूर, स्वयं की जमीन रखने वाले किसान क्या थे, हल और बैल उधार पर लेने वाले गरीब किसान क्या थे। तो यहाँ पर चार अलग अलग शब्दावली का प्रयोग आपके लिए किया गया है, देख लेते हैं क्या करके। सबसे पहले देखते हैं जोत का औसत, जो जोत का औसत था वो रकबा कहलाता था, तो पहले का आपका बन जाएगा क्या 2। इसके बाद अगर आप देखें भूमिहीन किसान जो थे वो थे कमीन, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, ठीक। स्वयं की जमीन रखने वाले किसान खुद कास्त, नाम से स्पष्ट है खुद कास्त मतलब स्वयं की जमीन, और इसके बाद हल और बैल उधार रखने वाले किसान ये मुजरियान ही थे। तो सही क्रम अगर आप देखेंगे तो 2, फिर 3, फिर 1 और फिर 4, 2, 3, 1, 4 आपका सही क्रम बनेगा, और यहाँ कूट में देखेंगे तो 2, 3, 1 और 4 आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा बी, तो बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है जहां पर दिया गया है नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है और आपको बताना है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, ठीक है। तो कौन या कौन से सही है, पहला स्टेटमेंट कह रहा है मुगल काल में भारत में कोई मध्य वर्ग नहीं था। देखिए मध्य वर्ग क्या है, समाज अमूमन जो है आर्थिक दृष्टिकोण से 3 भागों में बटा होता है, कुछ अपर कास्ट होती है, अपर क्लास होती है सॉरी, उच्च वर्ग जहाँ पर जो अमीर कहलाते हैं, इसके बाद एक लोअर होते हैं जो बिल्कुल गरीब कहलाते हैं, और एक होता है मिडिल क्लास जो क्या कहलाती है गरीब कहलाती है सॉरी मध्य वर्ग कहलाती है। तो अमूमन जो अमीर वर्ग है या हायर क्लास है और जो लोअर क्लास है इनका जो अनुपात है कंपैरिजन, तो मिडिल क्लास थोड़ा कम रहता है, मिडिल क्लास में अमूमन समाज का एक बड़ा तबका रहता शामिल। तो क्या यहाँ पर मुगल काल में भारत में कोई मध्य वर्ग नहीं था, ऐसा नहीं था, भारत में प्राचीन काल से ही मध्य वर्ग का अस्तित्व रहा है, मध्य वर्ग में किसान शामिल होते हैं, मजदूर शामिल होते हैं और जितने भी व्यापारिक लोग हैं वो शामिल होते हैं, तो ऐसे में ये स्टेटमेंट सही नहीं हो सकता। मुगलों द्वारा राजस्व का निर्धारण जब्ती प्रणाली के तहत करते थे, बिल्कुल सही है, नकदी में फसल का राजस्व दिया जाता था, तो ऐसे में ये स्टेटमेंट आपका सही है। उपरोक्त में से कौन से सही है आपके, 2 आपके, पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा स्टेटमेंट आपका सही है, तो आपका सही उत्तर क्या होगा केवल 2, बी इज द राइट आंसर, ठीक है, बी हो जाएगा आपका सही उत्तर। इसके बाद एक सिंपल सा फैक्चुअल क्वेश्चन आपके सामने है जहां पर आपसे कहा गया है मध्यकालीन भारत सॉरी मुगलकालीन भारत में मदद ए माश क्या कहा जाता था, किसके लिए, मनसबदारों को दी गई भूमि को, गरीब किसानों को दी गई आर्थिक सहायता को, विद्वानों उलेमाओं को दान में दी गई जमीन को, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए पहले ही अगर में अगर आप पढ़ेंगे और आपको पता नहीं होगा इसका मतलब, तो आप समझेंगे कि मदद ए माश है, मतलब हो सकता है कि मदद की जा रही, तो गरीबों को दान किया जा सकता है, हो सकता है, तो यहाँ पर आप अमूमन जो लोग हैं वो बी को आंसर लगा देंगे, लेकिन बी यहाँ पर सही नहीं है, गेम यहीं पर है, ट्रिक यहीं पर है कि मदद ए माश एक्चुअली धार्मिक दान था, ठीक है, धर्म के दृष्टिकोण से। तो ऐसे में जो विद्वान है, जो उलेमा वर्ग है धार्मिक, उसको जो दान में भूमि दी जाती थी उसको क्या कहते थे, मदद ए
मार्च। तो यहां पर सही उत्तर क्या होगा, सी ना कि बी। तो यहां पर सी इज द राइट आंसर। तो ये था आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपने काफी नई चीजों को सीखा होगा और काफी कुछ नया जानने को आपको मिला होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए। जल्दी मुलाकात होगी एक और नए सेशन में, जहां पर हम मुगल काल के आगे कुछ और अच्छे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।